करेगा सभी लाइनों में चलेगा। भैया रोको, ऐसे नहीं लाइनों में चलो यार, व्यवस्था ग्राम नगर हमारी व्यवस्था ग्राम नगर है भैया, देख रहे चलो सभी साथी धीरे धीरे चलेंगे, एक दूसरे को क्रॉस कोई सभी एक दूसरे के पीछे चलेंगे, अपने भी जमींदारी बनती है कुछ, सभी साथी सहयोग करो भैया। संख्या में इस तरह इकट्ठा होकर के मेरे हिसाब से किसी की रैली में नहीं गए हैं। कप्तान मीनू जी पेंडवाल जी का प्यार है जो लोगों के प्रति एक प्रेम की भावना है जो आकर्षित करती है, और कप्तान मीनू पेंडवाल जी ने हमारे समाज के अंदर मान लो या किसी तरीके से मान लो जैसे युवा वर्ग में हो खेल की कोई व्यवस्था करवानी हो मतलब शिक्षा के प्रति हो तो कोई काम की कमी नहीं छोड़ते। सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और आज आप देख रहे हैं प्रत्येक वर्ग में युवा वर्ग है चाहे वो बुजुर्ग है सबके सर पे कप्तान साहब का जादू सर चढ़कर बोल रहा है। आप देख रहे हैं आज यहाँ 3500 से 4000 गाड़ियों का काफिला यहाँ आ पहुंचा है, और भी गाड़ियां हैं जो इधर आप रोड पे देख रहे हैं आ रही है। भाई साहब मीनू पेंडवाल के आह्वान पे लोग आए हैं जो एक प्रमुख समाज से भी उभर के करके हमारे इस हल्का एलनाबाद में काम कर रहे हैं। पिछले 2-2.5 साल से इन्होंने जो कार्य किया है चाहे वो पॉलिटिकली हो या नॉन पॉलिटिकल, मतलब रात को अगर इनको कोई फोन कर देता है तो भी ये हाजिर रहते हैं। इन्होंने चाहे वो गौशाला हो चाहे शिक्षा स्तर पे जैसे लाइब्रेरी का काम हो बहुत इन्होंने काम किया है। सभी लाइनों में चलेगा भैया रोको, ऐसे नहीं लाइनों में चलो यार, व्यवस्था ग्राम नगर है हमारी व्यवस्था ग्राम नगर है भैया, देख रहे चलो सभी साथी धीरे धीरे चलेंगे, एक दूसरे को